केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने को लेकर मुस्लिम समुदाय ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। डेली इंसाइडर से खास बातचीत में मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई लोगों का कहना है कि एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं, उसके बावजूद विशेष सत्र बुलाने की अचानक क्यों जरूरत पड़ी। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि विशेष सत्र में सरकार अपना कोई विशेष एजेंडा रखेगी। अधिवक्ता हाजी मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि सरकार की नीयत पर उन्हें शक हो रहा है। विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सत्र बुलाया गया है, क्योंकि इस सत्र में यदि विपक्षी सांसद बहिष्कार करते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सरकार बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास करवा सकती है। सरकार की नीयत पे कुछ शक पैदा हो रहा है। विशेष सत्र लाने का उद्देश्य केवल विशेष उद्देश्य की पूर्ति हो सकता है सरकार की। कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने ये विशेष सत्र को बुलाया गया है, और ऐसे में कुछ विपक्षी पार्टी के सदस्यगण बाइकाट भी कर सकते हैं, तो जब उनकी संख्या कम होगी तो ये बहुमत से अपना उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। दूसरी, मेरा निवेदन सभी सम्मानित सदस्यगण से है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और विशेष सत्र में अपने भागीदारी लें। और जब एक आम सत्र चलता है तो उसमें वो चीज़ पूर्ति करना चाहिए। विशेष सत्र की कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ को लेकर, इसे पढ़कर और न्यूज़ चैनल से देखकर जनता में जागरूकता है, नागरिकों में ये है कि एक शक की नज़र से देख रहे हैं कि विशेष सत्र आखिर क्यों बुलाया है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी विशेष सत्र की, जबकि एक आम सत्र चलते हैं, समय में चलता है, उसमें ही ये अपना सरकार प्रस्ताव लाती, सरकार पास करती। ये तो हम नहीं कह सकते कि ये कौन सा कानून उसमें विशेष सत्र में लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे हैं और उसकी पूर्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आवाज हो रहा है कि कोई विशेष सत्र लाने का मकसद ही यह है कि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति सरकार करना चाह रही है। एक देश है, कानून का प्रस्ताव विशेष सत्र में ही क्यों लाएंगे, वो कभी भी किसी भी सत्र में ला सकते हैं। वो तो कोई भी कानून जो बिल है वो बहुमत से पास होता है, वो तो कभी भी ला सकते हैं। इस विशेष सत्र का मतलब ये कोई विशेष ही मकसद की पूर्ति के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। वही अधिवक्ता इमरान रजा कहते हैं कि सरकार की मंशा का हम अनुमान ही लगा सकते हैं। मुस्लिम समुदाय में ये चर्चा भी है कि सरकार इस विशेष सत्र में एक देश एक कानून के अलावा एक देश एक चुनाव का एजेंडा भी ला सकती है। देखो, वैसे सरकार की मंशा क्या है इस सत्र के बुलाने के पीछे, ये तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते। फिर भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और कुछ लोगों में ये भी सुगबुगाहट है हमारे मुस्लिम समाज में कि ये एक देश एक कानून के लिए लाया गया विशेष सत्र। मुझे तो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात लग रही है, और बाकी वही जहाँ तक होगा, और बाकी अनुमान लगाने के अलावा और क्या बता। अधिवक्ता आबिद हुसैन अंसारी का मानना है कि विशेष सत्र में सरकार विशेष प्रस्ताव ला सकती है। उन्होंने संभावना जताई है कि इस सत्र में एक देश एक कानून के अलावा एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव आने की भी चर्चा है। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए रंजीत बिसारी और बाबूलाल की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।